मितौली विकास खंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मितौली को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की कि पीएससीएल लिमिटेड के द्वारा लोगों को बकाया पैसा नहीं दिया गया, सहारा इंडिया का पैसा भी गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, जो किसी तरह से बिटिया की शादी के लिए या किसी अन्य कामों के लिए एजेंटों के द्वारा अपने से जमा किया गया था। उनकी मांग है सरकार की वह पैसा शीघ्र दिया जाए। मेजोरिटी का भी पैसा 2-3 साल हो गया, लेकिन किसी भी कंपनी के द्वारा वो पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। यदि गरीबों का पैसा नहीं दिया गया तो आज हम लोग यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग गरीबों के लिए रोड जाम करेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। भारत 18 न्यूज से आरिफ की रिपोर्ट। मेजोरिटी का टाइम 2-2, 3-3 साल हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी कंपनी के द्वारा गरीबों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। यदि गरीबों का पैसा नहीं दिया गया तो ये आज ज्ञापन दिया गया है, हम लोग रोड जाम करेंगे। जो भी करना इन गरीबों के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा वो सारे काम करेंगे और रोड से लगा करके हम मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे अगर ये गरीबों का पैसा नहीं दिया गया। आज कस्ता विधानसभा में जो ये ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब महोदय को, ये चेतावनी दी गई है, यदि इसी तरीके से सरकार गरीबों के पैसे पे यदि ध्यान नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर गरीबों की हर लड़ाई लड़ेगी, मजलूमों की हर वो लड़ाई लड़ेगी। जो आज गरीब मजलूम महिलाएं पीड़ित हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आगे आती रही है और इसी तरीके से आगे आते रहेगी। चाहे उसके लिए हम लोगों को ये लड़ाई कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों करनी पड़े, क्यों ना हम लोगों को दिल्ली तक कूच करना पड़े, हम लोग जब तक गरीबों का पैसा दिलाकर